बदलती हुई लाइफस्टाइल, जहाँ बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, अब छोटी फैमिली है, और उसकी वजह से जो जानवर घर के बाहर सुरक्षा के लिए रखे जाते थे, आज वो हमारे घरों में आ चुके हैं और परिवार का भी एक बड़ा हिस्सा बनते चले हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक। क्या पेट्स रखने से मेडिकल बेनिफिट होते हैं, ये आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। बच्चों की जीत के आगे मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी सास को झुकना पड़ा और मेरे घर में भी बस्टर नाम का कुत्ता हमेशा के लिए रहने आ गया। जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो रिसर्च बता रही है कि मेडिकली भी डॉग्स रखने के या पेट्स रखने के कुछ फायदे भी होते हैं बच्चे के लिए। ये बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों को आइसोलेशन, अकेलापन नहीं होता है, निराशा की भावना नहीं आती है, बच्चे भी काफी एक्टिव हो जाते हैं। और इवन ऑटिज्म के बच्चों को ये तो ये देखा गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में उनके लिए पेट्स का बड़ा रोल रहता है। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और बच्चे सोशली भी इंटरेक्टिव हो जाते हैं। पेट्स रखने से देखा गया है, क्योंकि मैं खुद डॉग ओनर हूँ, तो ठंडी, बारिश, गर्मी, कोई भी मौसम हो, मुझे उठकर अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लंबा लेके जाना पड़ता है। मतलब हम फिजिकली भी एक्टिव हो जाते हैं और सोशली भी एक्टिव हो जाते हैं। इससे ये फायदा होता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, जॉइंट प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए तो एनिमल्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी मैं क्लिनिक से थक के आती हूँ और मेरा कुत्ता पूंछ हिला के मेरा स्वागत करता है, तो मेरा मेंटल स्ट्रेस और थकावट तो दूर हो ही जाती है। और स्टडीज ये बताती है कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों के लिए भी पेट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन एवरीथिंग कम्स विथ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, प्रेग्नेंट वुमन ने तो पेट्स हैंडलिंग के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस या वॉर्म इन्फेस्टेशन, कुछ बीमारियां, लाइम डिसीज से बचने के लिए उनके लिटर की हैंडलिंग से दूर रहना चाहिए। बच्चों ने भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और खेलने के बाद, पेट्स के साथ खेलने के बाद हैंड वॉशिंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप केयरफुल रहेंगे तो ये चीजें आपको पेट्स के साथ आपको इंजॉयमेंट भी देता रहेगा और खुशियां देता रहेगा।